दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज दिनांक 12 फरवरी 2018 है, तो चलिए शुरू करते हैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस। तो पहला ही न्यूज है, सुलग की पशुधन मंत्री पर्सनल लॉ बोर्ड से बकास। बोर्ड की राय, 3 तलाक पर सरकार का कदम ठीक नहीं। मौलाना सलमान नदवी हैं, उनको जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनसे बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो सुलग के पशुधन थे। उसको लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, तो इसे एक देख सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का मामला है उसको धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। आते अगले कंटेंट पे, आतंकियों से निहत्ते लोवाले शहीद हो गया जाबाज। सुजवा सैन्य ब्रिगेड में दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। शहादत देकर परिवार के साथ अन्य लोगों को भी बचाई जान, सूबेदार मदन लाल ने। तो ये भी देख लीजिए कंटेंट है कि कैसे जो बॉर्डर पे अभी घटनाएं बढ़ रही हैं, चल रही हैं, उसको लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, तो इसे देखते रहिए और एक सीक्वेंस के रूप में इसे याद रखिएगा। आते हैं न्यूज पे, CSW सदस्य बनने पर जा सकती है संसद की सहमत पर। कंटेंट जरूर देख लिया जाएगा। लाभ का पद जो अभी दिल्ली के विधायकों पर चल रहा था, उसको उसी से संबंधित ये भी है कि कैसे कोई लाभ पेपर रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, उसको लेकर दिया हुआ एक अन्य कंटेंट है, तो इसे भी देख लीजिए। आते हैं अगले न्यूज पे, सप्रंग राज में घोटालों से खराब हुई भारत की छवि। मोदी मस्कट में मोदी ने किया भारतीय समुदाय को संबोधित, कहा 90 पैसे में चाय भी नहीं आती, हमने बीमा दिया है। इसे देख लीजिएगा कि सरकार की योजनाएं क्या कह रहे हैं, क्या क्या किया उसको लेकर दिया हुआ है, तो एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा। आते हैं अगले कंटेंट पर, विदेश में MBBS से पहले जरूरी होगा नीट। नीट पास करके ही मिलेगा विदेश जाने की MCI का NOC, केंद्र सरकार का नया प्रस्ताव। तो देख लीजिएगा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के अनिवार्य जो शर्तें हैं उसको लेकर दिया एक कंटेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा। आते हैं अगले न्यूज़ पे, असर दिखाने लगी है नमामि गंगे परियोजना। देवभूमि में गोमुख से लेकर लक्ष्मण झूला तक गंगा के पानी की गुणवत्ता ए श्रेणी की। उत्तराखंड PCB की रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में यह नहाने लायक। तो ये देख लीजिए गंगा की सफाई को लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, जो मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है उसको लेकर दिया हुआ एक परियोजना है, उसको लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, उसमें जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। आते हैं अगले न्यूज़ पे, आपराधिक मुकदमे में घिरे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हेल्पनामे में चुनाव आयोग ने की मांग। तो ये भी देखिए आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने दिया जाए या न दिया जाए, उसको लेकर एक कंटेंट दिया हुआ है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। आते हैं सिटी न्यूज पे, कक्षा में 10 घंटे कैद रही मासूम। वो लखपुरी के गंगा विहार स्थित कैपिटल पब्लिक हाई स्कूल का मामला, इसे छोड़ दीजिएगा। स्कूल की लापरवाही से अटकी रही सांसें, इसे भी छोड़ दीजिएगा। हत्यारोपी सुयश के माता पिता का नहीं होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, इसे छोड़ दिया। हनुमान जी की मूर्ति के लिए अतिक्रमण मामले की सीबीआई की जांच, इसे भी छोड़ दिया। 49 परियोजनाओं पर शुरू नहीं हुआ काम, कपिल मिश्रा, इसे छोड़ दिया। राजनीति है ये भी, आज भी होगी दिल्ली में सीलिंग फार्माउस भी जाएंगे जल्द, इसे भी छोड़ दीजिएगा। JNU में आज से हड़ताल का ऐलान, नहीं चलेगी कक्षाएं, अनिवार्य उपस्थिति को लेकर हो चुकी है चर्चा। JNU, इसे भी छोड़ दीजिएगा। आते अगले फेज 3 से खाली होने वाले हम, फेज 4 का है इंतजार। DMRC के MDA कहना है कि चौथे फेज के लिए हम तैयार हैं, बैठे हैं, जैसे इजाजत मिलेगी आएगा काम शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए मेट्रो परियोजना को लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। आते हैं राजनीति पेज पे, अबू धाबी दुबई हाईवे के समीप 3 साल में बनेगा मंदिर। PM मोदी ने दुबई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। 55,000 वर्ग मीटर में बनेगा इस भव्य, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई गए हैं वहाँ पे एक मंदिर बनाने का जो निर्णय लिया गया, उसी को लेकर दिया है कंटेंट है, इसे जरूर देख लीजिए। आते हैं अगले न्यूज पे, तक केवल विकास के लिए मोदी, ये भी देख लीजिएगा। मोदी जो मस्कट में गए वहाँ पे उनकी कुछ बातें की गई हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। अमित शाह बोले जनता की लूट रही है माकपा भाजपा सरकार, ये छोड़ दे राजनीति है। केंद्र कोलजियम के पास लंबित 123 जजों की नियुक्ति की, इसे भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण जजों की नियुक्ति से संबंधित दिया हुआ एक कंटेंट है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। सरकार बनेगी तो देंगे स्मार्टफोन, इसे भी छोड़ दीजिएगा। राहुल की मोदी को याद, काम शुरू करें अब ज़्यादा समय नहीं। मोदी विकेट कीपर की ओर देख करते हैं बल्लेबाजी, इसे भी छोड़ दीजिएगा। विदेश नीति पर थरूर ने PM को सराहा, ये भी देख लीजिएगा महत्वपूर्ण कंटेंट। कहा विदेश में मोदी दर्ज कराते हैं भारत की दमदार उपस्थिति, इसको लेकर दिया हुआ कंटेंट दर्ज कर दीजिएगा। स्मार्टफोन बनाने का सपना पर स्कूलों में बिजली नहीं, इसे भी देख लीजिएगा महत्वपूर्ण कंटेंट है कि कंप्यूटर शिक्षा की स्थिति और भी खराब है, तो सिंचाई स्थिति को लेकर दिया हुआ कंटेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। आते हैं राजनीति पेज पर, तेजाब की सरेआम बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। देश में एक, इसे भी देख लीजिएगा, अदालत ने केंद्र समेत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा है जवाब। एसिड हमले की परियोजनाओं के लिए 1 विंडो ऑपरेशन बनाने की मांग की है, इसे जरूर देख लीजिएगा महत्वपूर्ण कंटेंट। देश में एक भी दिव्यांग ना हो, यही हमारा लक्ष्य, राष्ट्रपति जी कहना है, ये भी महत्वपूर्ण कंटेंट है, जरूर देख लीजिएगा। रामनाथ
कोविंद ने कहा है कि उपकरणों को साधन समझे सहारा नहीं, मध्य प्रदेश के सहित देश में दिव्यांगों के लिए काम कर रही है योजनाएं, इसे भी देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण कंटेंट है। आते हैं अगली न्यूज पर, योगी ने दिया गया गांव गाय और गंगा का मंत्र। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा हर जिले विकास खंड में गौशाला विकसित केंद्र खोले जाएंगे, इसे भी देख लीजिएगा। आते हैं अगली न्यूज पर, अमित शाह की जिंद रैली का विरोध नहीं करेंगे जांच, इसे छोड़ दीजिएगा। बुंदेलखंड को मिल सकता है देश का दूसरा डिफेंस कॉरिडोर, इसे भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण कंटेंट है, इसे भी रक्षा मंत्रालय दे सकती है 1,00,000 करोड़ तक की सौगात, इसे भी देख लीजिएगा। आते हैं न्यूज में, मंत्री की भतीजी की शादी में जरूर, इसे छोड़ दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ का निवेश करेगा पेट्रोलियम मंत्रालय, इसे भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण कंटेंट है। आते हैं न्यूज पे, दलितों को लेकर बड़ी वसुंधरा सरकार की चिंता, इसे छोड़ दीजिएगा। नरेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री की अमर्यादिता टिप्पणी की, छोड़ दीजिए, इसे भी दोस्ती पर रहेगी, उपचुनाव पर साइकिल चलेगी, इसे भी छोड़ दीजिएगा। आते हैं अगले न्यूज़ पे, कैंप पर जो पर कहर हुआ है उसको लेकर दिया हुआ है, तो ये कुछ कंटेंट दिए हमें पिछले 10-12 साल के आतंकियों के खिलाफ जब लंबे सैन्य ऑपरेशन चले हैं उसको लेकर कुछ कंटेंट चले, जैसे कि संसद पर 45 मिनट चलाया, पठानकोट में 48 घंटे, मुंबई आतंकी हमले पर 60 घंटे और अक्षरधाम मंदिर हमले में 14 घंटे, ऐसे ऐसे कुछ कंटेंट दिए हुए थे, इसलिए एक कंटेंट के रूप में इसे आप याद रख सकते हैं। आते हैं अगले न्यूज़ पे, जैश बनाम भारत के सबसे बड़ा हथियार, सरगना मौलाना मसूद अजहर बन रहा है कश्मीर के हमलों की रणनीति की पाकिस्तानी सेना के साथ, इसे भी देख लीजिएगा, कैसे कैसे वहाँ योजनाएं चल रही हैं आतंकवादियों की, तो उसको लेकर एक कंटेंट दिया हुआ, तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। आतंकवाद न्यूज पर, आतंकवाद से निपटने में केंद्र सरकार नाकाम, इसे छोड़ दीजिएगा। राज्यपाल ने गृह मंत्री को दी जम्मू और कश्मीर के हालात की जानकारी, से भी देख लीजिएगा। कश्मीर में सेना के शिविर पर आतंकी हमला नाकाम, इसे भी छोड़ दीजिएगा। पुलवामा से जुड़े सुजवा ब्रिगेड हमले के आतंकी गिरफ्तार, इसे भी छोड़ दीजिएगा। पाक ना सुधर तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसे छोड़ दीजिएगा। पाकिस्तान न रहे तो दुनिया खुश रहेगी, इंद्रजीत कुमार, इसे भी छोड़ दीजिएगा। कश्मीर में पथराव, जम्मू में देशभक्ति की बयार, इसे छोड़ दीजिएगा। निष्कासन के बाद भी ना कोई अपने रुख पर कायम, हैदराबाद में रविवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की 3 दिन बैठक का समापन हो गया, इस बैठक में सलमान नदवी को निकालने का फैसला हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिया हुआ है, तो इसे भी देख लीजिएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड आतंकवादी संगठन, इस पर लगे प्रतिबंध, इसे छोड़ दीजिएगा। आते हैं नेशनल न्यूज पे, देश के 3 दिन में सेना तैयार कर देगा संघ, से छोड़ दीजिएगा। TDZ में नए कोल्ड स्टोर के पंजीकरण का रास्ता साफ, इसे देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण कंटेंट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार का फैसला हुआ है, बोर्ड ने कहा है कि कोल्ड स्टोरों की वजह से ताज को कोई खतरा नहीं है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। हुनर से बनाए उत्पाद दिल और दिमाग का भी होगा करिश्मा होता है, राजनाथ सिंह ने कहा है, तो इसे भी देख लीजिएगा, कंटेंट के रूप में दिया हुआ है, तो जरूर पढ़िएगा। स्वच्छ गंगा रिसर्च लैब के लिए ऑस्ट्रेलिया की सौगात, इसे भी देख लीजिएगा। स्वच्छ गंगा को लेकर दिया हुआ कंटेंट है, तो इसे भी देख लीजिएगा। 84 देश खाप ने का सगोत्री विवाह किया तो करेंगे इलाज, से छोड़ देगा। पढ़ते पढ़ते लेखक बन गया राजकीर्मन, इसे भी छोड़ देगा। ऋषिकेश योगा फास्ट में पहुंचेंगे राष्ट्रपति, इसे भी छोड़ देगा। फर्जी पहचान से करवा रहे हैं जांच, रिपोर्ट निगेटिव तो बता रहे हैं सच, इसे भी छोड़ दीजिएगा। राजा हर्षवर्धन का प्रक्रम अब 3D फिल्म में, इसे छोड़ दीजिएगा। कुवैत से सलामत वतन वापस पहुंचा पवन, इसे भी छोड़ दीजिएगा। आते हैं नेशनल न्यूज पे, छत्तीसगढ़ में चिंता की राख को मोच दे रहा है, मोच्छा दे रहा है मोच, इसे देख लीजिएगा। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, तो इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। आते हैं न्यूज पे, गोवा मुक्ति का बिगुल भी उत्तर भारतीय लोहिया ने फूका था मंत्री जी, इसे छोड़ दीजिएगा। बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, इसे छोड़ दीजिएगा। मोदी के एग्जाम वॉरियर से वंचित रहेंगे 8,000 स्कूल, इसे भी छोड़ दीजिएगा। आते हैं अगले न्यूज पे, पंजाब में नशे में धुत जेई ने पत्नियों बेटों को गोली मारी, से भी छोड़ दीजिएगा। डकैती डालते पकड़ा गया राष्ट्रपति भवन का सुरक्षा गार्ड, इसे भी छोड़ दीजिएगा। कन्नौज में ट्रैक्टर ट्राली पलटे से 30 कंवड़ियां दे दी, इसे छोड़ दीजिए। श्रीलंकाई सेना ने 3,000 भारतीय मतदाता को खदेड़ा, इसे देख लीजिएगा, ये भी एक अच्छा कंटेंट है। शिष्टाचार मुलाकात, ये भी छोड़ दीजिएगा। अच्छे की पैड में गांव की महिलाओं को समर्पित, ये देख लीजिएगा कि कैसे कोई फिल्म किसी समाज के प्रदेश को बदलने में अपना सहयोग निभाती है, उसको लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। माता पिता की खोज लिया अमेरिका से आगरा, इसे एक बार देख लीजिएगा। आते हैं संपादकीय पेज पे, ऐतिहासिक गलती सुधारने का वक्त, अयोध्या विवाद का वार्ता के माध्यम से समाधान में जुटे महानुभाव सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हर एक विवाद का सही समाधान अंततः परस्पर संवाद में ही होता हुआ, तो देख लीजिए अयोध्या विवाद और परस्पर संवाद को लेकर दिया हुआ कंटेंट, जरूर पढ़ लीजिएगा। चुनाव आयोग की सही मांग, ये भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण कंटेंट दिया हुआ है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। मजबूत होती भारत अमेरिकी सरदारी, ये देख लीजिए, भारत अमेरिका संबंध को लेकर दिया हुआ कंटेंट है, जो कि केनेथ जस्टर हैं लेखक, भारत में अमेरिका राजदूत भी हैं, तो उनको लेकर उनका एक कंटेंट दिया हुआ है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा।
उन्होंने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट और मेक इन इंडिया विरोधाभासी नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों में रोजगार में वृद्धि करेंगे और सुधार की जरूरत। झारखंड के संदर्भ में नीति आयोग की जो हालिया हेल्थ रिपोर्ट आई है उसको लेकर दिया है कंटेंट है, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। बेट्स से ले प्रेरणा, माइकल बेट्स हर उस भारतीय की सीखना जिनके समस्या को लेकर हमेशा, ये देख लीजिए कुछ प्रेरणापद बातें की गई हैं इसमें, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अति विमर्श पेज पर सबको एक समान इलाज की कवायदा, ये देख लीजिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक ही किस्म की भुगतान पर सभी को उचित चिकित्सा सेवा मिले को लेकर मुहिम चल रही है, ताकि हर व्यक्ति द्वारा नियत राशि प्रदान करने पर उसे संपूर्ण कवरेज दिया जा सके, उसको लेकर दिया हुआ है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय समाज असमानता से जूझ रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर सबको समान चिकित्सा का आश्वासन होना चाहिए, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अत्याधुनिक न्यूज पर बेजा फायदा उठाने की नियत, अक्सर डॉक्टर ये भी देख लीजिएगा डॉक्टरों की लापरवाही उसको लेकर दिया हुआ है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बच्चों ने परीक्षा छोड़ी क्यों, डीएम ने धमकाया क्यों, इसे छोड़ दीजिएगा। पुलिस व्यवस्था बने संवेदनशील, इसे दिल्ली पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आते बिजनेस पेज पर निवेश आकर्षित करने में कर्नाटक सबसे आगे, बीते साल कर्नाटक ने गुजरात और महाराष्ट्र जैसे अग्रणी राज्यों को पीछे पछाड़ा, उत्तर प्रदेश और बिहार से बेहतर झारखंड में निवेश की स्थिति, इसको लेकर देख लीजिए। निवेश स्थिति को लेकर दिया हुआ एक कंटेंट छपा है, तो इसे जरूर याद रखिएगा और कल की परीक्षा में आप इसे उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। आते अगले न्यूज पे जीएसटी की समस्याओं का समाधान, अब ट्विटर पर भी ये भी देख लीजिएगा कि सोशल मीडिया का हम उपयोग समस्याओं को समाधान के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके उदाहरण के रूप में इसे भी देख सकते हैं। आते अगले न्यूज पर कृषि योजनाओं का हाल जानेंगे मोदी, इसे देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखेंगे, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने पर जोर होगा, नीतिगत सुधारों के साथ उत्पादकता और मार्केटिंग पर भी जोर होगा, तो इसे भी देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण कंटेंट है कि कृषि क्षेत्र में सुधार को लेकर पीएम की जो योजना है उसको लेकर दिया हुआ कंटेंट छपा है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। आते अगले न्यूज पर विदेश में खादी के प्रमोशन में जुटी सरकार, इसे भी देख लीजिएगा। 2022-20 तक दहाई अंकों में होगी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, इसे भी देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की जो परियोजना है भारत सरकार की उसको लेकर दिया हुआ कंटेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। आते हैं अगले न्यूज पर ग्लोबल संकेतों, आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी नजर, शेयर की समीक्षा की गई इसमें, तो जरूर पढ़ लीजिएगा इसे भी। आते हैं अगले न्यूज पे देश का कर्ज प्रबंधन आरबीआई के हाथ में होना ठीक नहीं, इसे भी देख लीजिएगा। नीति आयोग देश का कर्ज के बोझ का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक की जगह एक स्वतंत्र ऑफिस के हाथों में देने की पुरजोर वकालत कर रही है, इसे भी जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण कंटेंट है, मर छोटा है, मर बच्चा कंटेंट दिया हुआ है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आते हैं अगले न्यूज पर सिमटने लगी सस्ती छोटी कारों का दायरा, इसे भी छोड़ दीजिएगा। कमर्शियल वाहनों को सलाना, इसे भी छोड़ दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पेज बात है, नई रही पाक सेना को आईना दिखाने वाली अश्मा जहांगीर, इसे देख लीजिएगा। छोटे छोटे परीक्षाओं जैसे एसएससी यूपी पुलिस परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो ये अश्मा जहांगीर है वो कौन थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसे देख लीजिएगा, कंटेंट के रूप में उसे भी याद कर सकते हैं। श्रीलंका में हुए निकाय चुनाव में राजपक्षे की पार्टी को भारी जीत, इसे छोड़ दीजिएगा। इसराइल पर सीरिया पर इसराइल कार्रवाई के समर्थन में अमेरिका ने ईरान को कहा आगा किया आगा भड़कावे की कार्रवाई बंद करी, इसे भी देख लीजिएगा। रूस में यात्री विमान दुर्घटना से सभी 71 लोगों की मौत, इसे छोड़ दीजिएगा। अमेरिका में गोलीबारी की घटना में 2 पुलिस अधिकारी समेत 7 की मौत, इसे छोड़ दीजिएगा। परमाणु हथियारों पर चर्चा के बगैर वार्ता नहीं आगे बढ़ेगी, ये भी महत्वपूर्ण जरूरत दिख लिया। माइक पेंस ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए अमेरिका दक्षिण कोरिया जापान एकजुट है, तीनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं है, तो उसको लेकर दिया हुआ एक कंटेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या में शामिल 10 सैनिकों पर कार्रवाई करेगा म्यांमार, सेना की जांच में 10 रोहिंग्या की हत्या पर पाए गए हैं लिप्त, इसे जरूर देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण कंटेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर कुछ होता नहीं, तो इसे छोड़ ही देते हैं। आते हैं जनहित जागरण पे, इसमें कुछ जनहित को लेकर दिया हुआ कंटेंट दिया हुआ, तो जरूर पढ़ लीजिएगा इसे भी। जैसे कि घोषित हुए जनहित जागरण के विजेताओं के नाम दिए हुए हैं, तो इसे एक छोड़ ही दीजिएगा, कोई अच्छा कंटेंट नहीं है। उत्तराखंड के जंगलों में सहेजे जाएंगे 17 करोड़ की लीटर वर्षा का जल, देख लीजिएगा। जो वर्षा जल को संग्रहण को लेकर एक अच्छा कंटेंट के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं और उदाहरण के रूप में आप इसे अपने क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं। तो जैसे कि उसमें दिया गया तालाब नुबा गड्ढो और डैच और ट्रैक चेक डैम पर किया जा रहा है फोकस, ये 20 लाख तालाब नुबा गड्ढो का हो रहा है निर्माण, 7,000 ट्रेंच कराई जा रही है तैयार और 5,000 चेक डैम भी हो रहे हैं निर्माण, तो उसको लेकर दिया हुआ जरूर महत्वपूर्ण कंटेंट है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में हर 5वां छात्र इंटरनेट एडिक्ट, इसे छोड़ देगा। इस बैंक में आस्था की पूंजी पर मिलता है सुकून का ब्याज, इसे जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में से भी छपा हुआ है। लखवाड़ व खिसाऊ बांध परियोजना का हल निकालने के साथ बताएंगे 6 राज्यों के सीएम, इसे छोड़ देगा। रसगुल्ला के खोजकर्ता के नाम डाक विभाग जारी करेगा विशेष कवर, इसे छोड़ दीजिएगा। आते हैं अगले न्यूज पर, दो साल 200 ब्रांड और 20 देशों में कारोबार, धनबाद स्किल लैब का कर्मचारी के दिया हुआ है, तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। एक अच्छे कंटेंट के रूप में रोजगार के कंटेंट में रूप में दिया हुआ है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आते हैं अंतिम पेज पर,
कुछ कंटेंट के रूप में ऊपर छपा हुआ, जैसे कि पहली बार इंसान को लगा पेंसिलिन का इंजेक्शन, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। पहली बार शुद्र ग्रह पुत्र अंतरिक्ष यानी भी देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण कंटेंट के रूप में दिया हुआ है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन आज है तो उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि वो कौन थे, क्या क्या उनकी सिद्धांत थे, तो उसको लेकर दिया हुआ छोटा मोटा ऊपर कंटेंट भी दिया हुआ है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। आते अगले न्यूज पे, ग्लोबल वार्मिंग से डूबने की बजाय 3% बढ़ गया द्वीपीय देश टुवालू, तो इसका लिए ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट के रूप में दिया हुआ एक कंटेंट छपा हुआ तो जरूर पढ़ लीजिएगा। शरीर की ऊर्जा चार्जों गैजेट इसे छोड़ दीजिएगा। नए शोध का दावा श्वेत नहीं है थे प्राचीन ब्रिटेन को लुक, इसे भी देख लीजिएगा। अत्या अगले पे 10 गुना मजबूत होगी लकड़ी से हो जाएगी स्टील की तरह, इसे छोड़ दीजिएगा। 2005 के विस्फोट से सुलग रही है बैरन आइलैंड, इसरो के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष 2005 के विस्फोट का ही नतीजा है कि 2017 में निकला लावा नए अध्ययन से प्रकृति क्षेत्र के समझने में भी मिलेगी मदद, तो इसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो धन्यवाद।